चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं गाजा की लड़ाई के साथ यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 3 शहरों पर करीब 100 मिसाइलों और बम से हमला किया। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया है कि 48 घंटों के अंदर अगर हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों के हाईवे तैयार कर देगा। देखिए रिपोर्ट। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा जो खास तौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर अलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेस्क के आसपास का फ्रंट है और यही करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवोमी खलीफका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेस के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहाँ ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है, पुतिन को रिजल्ट चाहिए। इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. Зеленський की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है, यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। जेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। $60 अरब की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फॉरेन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए जेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से
बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं।